अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। जैसे ही मैंने व्लॉग एंड किया मैंने वहाँ से ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब मुझे करना है इन सब चीज़ों को रिमूव, क्योंकि जो हमारे घर ये शैतान से बच्चे हैं ना, ये चीज़ें इन्होंने ऐसे अभी खींचना और सब कुछ नीचे शीशे की टेबल वगैरह, तो मुझे है कि मैं सब कुछ अलग अलग कर दूँ ताकि ना बच्चों को चोट लगे और ना ही ये सारी जो रोड है पर्दों वगैरह की ये नीचे आए, क्योंकि इन्होंने खींचना है वहाँ से बलून और वो मैंने सारे लाइट्स के साथ बांधे हुए हैं, तो फिर मेरा ही नुकसान होगा। अभी हमें अपनी माइयों के लिए ये फेरी लाइट्स चाहिए, तो ये बलून्स वगैरह तो मैं इनको खेलने के लिए दे दूँगी, बाकी सामान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे जो ये फ्लावर्स हैं ना, ये हैंडमेड फ्लावर्स हैं, और ये मेरी दोस्त है बहुत अच्छी, उसने बनाए थे, और ये भला कब बनाए थे उसने बनाए थे मेरी इंगेजमेंट पे, और मैंने इनको 3 साल संभाल के रखा है। आप यहाँ से देखें, 3 साल संभाल के रखा और आज ये मेरे ब्राइडल शावर पे यूज़ हुए हैं। 2000 years later. अच्छा तो गाइस, इट्स ऑल क्लीन अप। कोई देख के कह सकता है कि यहाँ पे अभी इतना कुछ लगा हुआ था, मैंने सब साफ कर दिया, और मैं अगर ना साफ करती ना, मुझे सारी रात नींद नहीं आनी थी टेंशन से। मैंने ना होना था, ये 2 टेबल्स थी जिनके ऊपर वो वाइट शीट लपेटी हुई थी मैंने, और सब ख़त्म कर दिया मैंने, ताकि ना फिर बच्चे कोई नुकसान ना करें। मैंने उनको बिलोन्स भी उतार के दे दिए, वो खेलते रहेंगे। The next morning. तो गाइस मैं जा रही हूँ अब बाहर, हमें जाना है किसी की तरफ, तो बस मैं तैयार हुई हूँ। सुबह उठी, मैंने नाश्ता किया है, और मतलब इतना कुछ खास था नहीं ब्लॉग में दिखाने के लिए, तो मैंने कहा तैयार होकर एक दफ़ा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं जनाब? कह ले कुछ, नहीं कह ले, चलो अंदर जाओ। और गाइस अब यहाँ पे हम लोग पेट्रोल डलवा रहे थे, और कल रात को ही हमें ये न्यूज़ मिली है कि पेट्रोल पर लीटर 250 रुपीज़ हो गया, और ये इतनी दुख की बात है ना, क्योंकि सारे काम पेट्रोल की वजह से ही होते हैं, और जो जब पेट्रोल महंगा होता है ना, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और इंसान इतना तंग होता है ना कि मतलब आवाम का क्या कसूर है, आवाम जाए तो जाए कहाँ। और अब यहाँ पर मेरे भाई और आपस में पापा लोग मशवरा कर रहे हैं कि कौन से रूट से जाएँ, क्योंकि यहाँ पर सारी सड़कें भी तोड़ी हुई हैं। और गाइस अब ये हमारा नाश्ता बन रहा है, पापा को ना ज़्यादा कुरकुरा लाल पराठा पसंद है, तो मम्मा ने इसलिए इसको कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लाल खा दिया। मुझे भी चौबीस पराठा खाने हैं, मैंने गोल नहीं खाने। और गाइस ये मेरी रोटी, ये मेरा नाश्ता, ये चने की दाल है, उसके साथ खा रही हूँ मैं पराठा देसी घी का। 4 hours later. और गाइज अब ये शाम का टाइम था, और हम लोग आए हैं टेलर के पास। मैंने आपको बताया ही होगा व्लॉग्स में कि हमारा टेलर हमें बहुत तंग करता है, तो ये मेरी बहन के बच्चों के कपड़े भी यहाँ पे ही हमने स्टिच होने दिए हुए हैं, क्योंकि कपड़े अच्छे सीता है, लेकिन ये अलग बात है कि तंग बहुत करता है। तो सारी डिज़ाइनिंग्स वगैरह उसको समझाई हैं, लेकिन डेली बेसिस पे कह लें कि उसके पास चक्कर लगाना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि उसने हमारे कपड़े सीना स्टार्ट किए भी हैं कि नहीं। तो ये अभी भी हम वही करने आए हैं, देखने के क्या कर रहा है, हमारे कपड़े सी भी रहा है कि नहीं। तो बस यही चलता रहता है हमारी ज़िंदगी में, और तो हमें कोई काम नहीं है इसके अलावा। और गाइज अब हम लोग ये यहाँ पे मल्टीफॉर्म के फर्नीचर आउटलेट में आए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेना है एक फोम गद्दा, जिसे कहते हैं बेड पे बिछाने वाला, तो मुझे देखना था अपनी पसंद का, और मुझे चाहिए था थोड़ा मतलब ज़्यादा चुड़ाई वाला गद्दा। तो मैं साथ आई थी, सारी शादी के काम मैंने खुद ही किए हैं, तो अब मैंने कहा मैं गद्दा लेने भी खुद चली जाऊँ, क्योंकि मैं मुझे तसल्ली नहीं होती ना कोई मेरे लिए चीज़ लाए, मुझे होता है मैं खुद अपनी पसंद से तसल्ली से चीज़ लूँ। तो यहाँ पे मैं देखने आई थी, मुझे ना एक्चुअली मैं मम्मा पापा के साथ मेडिकेटेड फॉर्म पे सोती हूँ, तो मुझे ये है कि मैं ऐसा गद्दा लूँ जो मतलब मेडिकेटेड काइंड ऑफ मेडिकेटेड ही हो, मुझे वो नरम नरम वाला गद्दा ना अच्छा नहीं लगता, मुझे हार्ड गद्दे पे सोने की आदत है। तो बस अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे हर तरह का और हर प्राइस रेंज के हिसाब से लगा हुआ था, तो बस हम देख रहे थे कि जो सही मतलब ज़रा हो ना, ज़रा हार्ड हो, और इतना हार्ड भी ना हो और इतना उसका वेट भी ना हो कि मुझसे उठाया ही ना जाए। तो बस ये देख रहे थे हम यहाँ पे, ये यहाँ पे सेल्समैन हमें गाइड कर रहा था साथ साथ कि आप ये करें ये करें। तो बस यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे फर्नीचर भी लगा हुआ था, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं, हो सकता है आप में से किसी की शादी हो तो आपको कोई इंस्पो मिल जाए या कोई चीज़ पसंद आ जाए। और अब ये यहाँ पे बिलिंग का प्रोसीजर चल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसका बिल भी आपको पे करना पड़ता है, और साथ ही मैंने बाबा को कहा कि हम मेट्रेस का कवर भी ले लेते हैं, क्योंकि उससे मेट्रेस सेफ़ रहती है। तो मुझे चाहिए था वाटर प्रूफ कवर, लेकिन मम्मा चाह रही थी कि वो जो वाटर प्रूफ कवर था ना, उसका थोड़ा मटीरियल डिफरेंट सा था, तो मम्मा चाह रही थी कॉटन में लेना, तो मम्मा ने फिर कॉटन में लिया और मैंने वो वाला लिया जो दूसरे फैब्रिक वाला और वाटरप्रूफ है।
तो अब ये हमारा जो सेल्समैन यहाँ पे मोल्टी फॉर्म का है वो हमें ऊपर लेके जा रहा था, कह रहे थे आए ज़रा आप ऊपर, आपको ना फर्नीचर की भी वैरायटी दिखाते हैं। फिर हमने कहा देखने में क्या हर्ज है, देख ही लेते हैं क्या दिखाना चाह रहा है, हमें क्या स्पेशल है इसके पास। तो बस अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो देखते हैं जाके ऊपर कैसा फर्नीचर है। और वैसे तो मैंने फर्नीचर बनने दे दिया हुआ है, लेकिन मैंने कहा फिर भी देख लेते हैं हम लोग। लकड़ी वाले इसके ऊपर वाला फ्लोर है, टोटल यानी कि टाली के अंदर बने हुए हैं, प्योर लकड़ी गाइस। हम यहाँ पे देखने आए हैं फर्नीचर्स। भाई साहब ये ना ऐश की लकड़ी का ऐसा होता है, इस कलर में होता है ऐश की लकड़ी, ये चीज़ ऐसा मतलब थोड़ा सा शेड डिफरेंट होता है, लेकिन ये तो वेलवेट लगी हुई है। इसकी क्या प्राइस है? ये तो वेलवेट लगी है, ये वाला 220 का है, 2,20,000 रुपए का बैठे हुआ। और इसमें क्या-क्या चीजें हैं? इसमें ड्रेसिंग होती है, सेट टेबल और बैठे। ये फुल वुड का है? जी फुल वुड का है। चीज सॉलिड है ना भाजी, ये देखें ना इसको, सारी आप चीजें नीचे से देखें, ये डबल डबल इसको लगी हुई है लाल, इसे हम खाली फटे रखे हुए हैं, इस पे दो लड़े आनी है आपकी यहाँ से। अच्छा, ये टूटना ही नहीं है सारी जिंदगी। और ये देखिए फटा कितना मजबूत है, ये वाली जो साइड है, ये देखिए गाइस ये हार्ड वेल है। ये मेरा ऐसे मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी ना उसके पास था। ये वही है जो तूने लिया? हाँ, नहीं वो नहीं है, ये वाला मोल्टी फॉर्म है, सॉफ्ट जो हो जाने से सॉफ्ट हो जाना है। अच्छा, ये वो है वो जो मरियम के पास है, मैंने हार्ड वाला लिया, वो जो कमर को वो पीछे से सपोर्ट करेगा। हेलो A few moments later. और गाइज अब हम लोग आए हैं बेकरी पे, क्योंकि हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट मेरे इन लॉज, तो हम लोगों ने उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए सामान लेना, ऑब्वियसली उनके अचानक से कॉल आई तो हम लोग बाहर थे, तो खाने का अरेंज तो हो नहीं सकता था, तो हमने कहा हम टी का अरेंज कर लेते हैं। तो बस टी के लिए सामान ले रहे हैं अच्छा अच्छा सा, और साथ में ये बेकरी खुली है टेसोरो नई सब्जाजार में, तो हमने कहा इनका ये चिकन चीज़ केक ट्राई करते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा अब इनका ट्राई करके देखते हैं कैसा है। इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स लगाए हुए हैं, देखिए एग वाला भी है और चिकन वाला भी है, तो मैंने कहा मैं फुल चिकन लूँ। बस इसी के साथ ये व्लॉग करते हैं यही पे एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।